हेलो फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज़ अबाउट क्लास 9 हिंदी क्विज अभ्यास। कक्षा 9 का हिंदी का जो क्विज अभ्यास आज का आया है 28 अगस्त से 3 सितंबर तक का। ओके जी, ये जो क्विज अभ्यास है ये है चैप्टर 1 जो मुंशी प्रेमचंद है उनकी कहानी है दो बैलों की कथा। ओके, चैप्टर 1 जो आपका 9 का है उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। जो कांजी हाउस था ना, कांजी होस नाम था उसका, उसमें जो पशु कैद कर रखे थे उनकी हाजिरी क्यों लेते थे, क्योंकि वो ये चेक करना चाहते थे कि कोई पशु भाग तो नहीं गया है, कोई पशु कट तो नहीं गया है, या कोई पशु मर तो नहीं गया है। यानी तीनों ही सही थे, तो इसका मतलब अपना आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। ओके, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ा था। एक्चुअली क्या है, वो बच्ची अनाथ थी। ठीक है, क्या था इस चैप्टर में, वो बच्ची अनाथ थी, तो उसको क्या है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उनके प्रति किसी का लगाव नहीं हो जाए। इसलिए जब लगाव नहीं होता तो प्रेम कैसे उभरेगा, है ना। और क्रोध आने पे भी प्रेम नहीं उमड़ सकता, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो क्यों उमड़ा था प्रेम, क्योंकि उनके प्रति भी सहानुभूति थी। क्यों थी, क्योंकि वो खुद भी अनाथ थी, उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार होता था जैसा उन बैलों के साथ होता था। तो आंसर नंबर 1 होगा, उनके प्रति सहानुभूति हो गई थी। हीरा और मोती की गहरी मित्रता का पता कैसे चलता है, आपने देखा होगा ये जो हीरा और मोती जो दो बैल थे, है ना, दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे को चाटते रहते, हर काम एक दूसरे के साथ करते थे, खाएंगे तो साथ में, है ना, घूमेंगे तो साथ में, पकड़ में एक आ गया तो दूसरा भी उसके साथ रहेगा, ठीक है ना। तो क्या होता था, क्या पूछा है कि मित्रता का कैसे पता चलता है, तो क्या एक दूसरे का भार संभालते थे, सही है, एक दूसरे के लिए लड़ते थे, और जब भी कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था तो लड़ाई करते थे एक दूसरे के लिए, सही है, एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ते, भी सही है। यानी तीनों आंसर क्या है, सही है। तो जब तीनों सही है तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, आंसर उपरोक्त सभी। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गया ने हीरा और मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए क्यों खाने के लिए दिया, क्योंकि गया कौन था, वो जो झूरी बताया ना, झूरी का साला, ठीक है, तो जो साला था वो क्या, उसने हीरा मोती को दो बार सूखा भूसा दिया, क्यों दिया, क्योंकि गाय बैलों पर वो ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहता था। ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी खर्चे की, वो गरीब था, ऐसी भी कोई बात नहीं थी, ठीक है, और जानवरों की खाद्य सामग्री की भी कोई बात नहीं थी। वो क्या, हीरा मोती से बहुत दुखी हो गया था, क्योंकि हीरा और मोती जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, है ना, तो हीरा मोती से बहुत ज़्यादा दुखी था। समझ में आ गया आपको आंसर, आंसर क्या है अपना, नंबर 3, गया हीरा मोती से दुखी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिक्षण, प्रतिक्षण का क्या अर्थ है, प्रति यानी हर और क्षण मतलब भी हर क्षण मतलब पल पल, प्रति का मतलब पल, क्षण का मतलब पल, तो पल पल क्या आएगा, पल पल। निर्दयी, निर्दयी क्या होता है, अब निर्दयी का इस्तेमाल किसके लिए किया, इसमें हीरा निर्दयी था, मोती निर्दयी था, कौन था, हीरा मोती तो दोनों बैल थे, ये दोनों तो निर्दयी थे नहीं, कौन था, गया, गया के लिए निर्दयी बोला है, क्यों, क्योंकि गया उनको सूखा भूसा देता है इसीलिए। तो आंसर आ गया अपना नंबर 3, गया। आत्मीयता का क्या अर्थ है, आत्मीयता किसी से अपनी आत्मा मतलब लग जाती है, उसका अटैचमेंट हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं लगाव हो जाना किसी से, क्या होता है, आत्मीयता का अर्थ क्या होता है, लगाव हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट है, व्याकुल हो जाना किसी चीज़ से, व्याकुल से क्या अभिप्राय है, किसी चीज़ के लिए आप व्याकुल हो जाते हो, मतलब व्याकुल होने का मतलब बीमार नहीं होता, खुशी नहीं होता, व्याकुल हो जाना मतलब किसी के लिए परेशान हो जाना, क्या हो जाना, परेशानी, क्या होता है व्याकुल का मतलब, परेशानी, ठीक है। तब को समझ में आ गया, जो मुंशी प्रेमचंद की ये जो फर्स्ट चैप्टर है दो बैलों की कथा, उसमें से हमने ये किया है। क्वेश्चन 1 का कांजी हाउस वाले का है उपरोक्त सभी, क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 1 है आंसर, उनके प्रति सहानुभूति हो गई थी, इस क्वेश्चन का आंसर है नंबर 4 उपरोक्त सभी, दोनों एक दूसरे का भार संभालते थे, है ना, और सारा, फिर इस क्वेश्चन का आंसर है नंबर 3, गया हीरा मोती से दुखी था, प्रतिक्षण का अर्थ होता है पल पल, निर्दय का इस्तेमाल किया गया गया के लिए, आत्मीयता का अर्थ होता है लगाव, व्याकुल से अभिप्राय है परेशानी, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो और पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप उसके अलावा कुहू क्लासेस पे जा सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे भी, ओके, और वहाँ पे आपको और भी वीडियोस और जो भी मैंने वीडियोस अब तक बनाई क्विज अभ्यास की और जो भी, तो वो सब आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।